बुधनी विधानसभा चुनाव की पूरे प्रदेश में चर्चा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी अपनी साख बचाने के लिए इस उपचुनाव में एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। उसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। राजकुमार पटेल के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बुधनी की सीट पहले भी कांग्रेस की थी, बीच में जनता ने मुख्यमंत्री को वोट दिया था, अब बुधनी की सीट वापस कांग्रेस की झोली में आने वाली है। जीतू पटवारी ने कहा कि मैं बुधनी की जनता से आग्रह करता हूं कि गेहूं के दाम अगर आपको 3100 करवाना है तो बुधनी से कांग्रेस को जिताकर बीजेपी को लगाम लगाना है। बुधनी के परिवार के लोगों ने उत्साह बताया और जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो इस बात का एहसास कराता है कि ये सीट, ये धरती बुधनी की धरती कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री को लोगों ने वोट दिया था, ये फिर कांग्रेस की होगी, ये एहसास आज हो गया। जहाँ तक प्रश्न है, बुधनी की जनता को अवसर मिला इस बात का कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने की जो सरकार थी, वोट मिले थे शिवराज जी के नाम पर, अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो जो वादे किए एक पुरानी है, तो लगाम लगाने का अवसर मिला है, प्रदेश की सरकार को सुशासन में लाने का अवसर मिला है, बुधनी को सौभाग्य मिला है। तो मैं बुधनी की जनता से फिर आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके गेहूं का दाम 3000 कराना है तो बीजेपी को लगाम लगाना है और बुधनी से कांग्रेस को जिताना है। अगर आपके धान के दाम 3100 कराना है तो बुधनी को अवसर मिला इस बात का कि बीजेपी पे लगाम लगाओ। हुआ है और हर गांव में मेरे कम से कम दो दो घर हैं, तो मुझे मैं हाईकमान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को विश्वास जताया। मुख्यमंत्री एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि समय बहुत कम है, लेकिन बुधनी विधानसभा का एक गांव एक घर ये राजकुमार पटेल कांग्रेस को जिताने के लिए छोड़ने वाला नहीं। 2004 का बाई इलेक्शन और 2024 का बाई इलेक्शन में कितना अंतर देख रहे हैं सर? देखिए, उपचुनाव की बात मत करिए, उपचुनाव की बात करेंगे फिर लंबा इतिहास निकल आएगा। पटवाजी की सरकार थी 1992 में, तब भी मैं लड़ा था, पटवाजी की सरकार ने मुझे टेबल पर हराया था 300 वोटों से। शिवराज जी से 2006 में लड़ा तो चुनाव को 15 दिन बढ़ा दिया, नहीं तो वो अंतर भी 5000 से ज़्यादा का नहीं होने देते, भले वो मुख्यमंत्री बन के लड़ गए, लेकिन समय का चक है, तब वो मुख्यमंत्री थे, अब जब वो सत्ता लेकर आए तो वो मुख्यमंत्री। जीत का अंतर रहेगा, आपकी जीत का अंतर कितना रहेगा लगभग? देखो, मेरे लिए जीत मायने रखती है, जीत होना चाहिए।